नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुमन वृक्ष आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ गुरु चकाचक में। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, आज ये सीरीज में लेकर आया हूँ, इस वीडियोस के सीरीज, जिसमें इससे पहले भी लगातार आप लोगों के लिए मैं तरह तरह के एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहा हूँ और आपके करियर से जुड़ा ऐसी चीजें निरंतर मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको फायदा मिले। तो इसी करी के साथ आज का जो वीडियोस मैंने बनाया है वो है सही करियर का चुनाव कैसे करें। तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अपने जीवन में अगर आए हैं और हमें कुछ करना है, तो हमें किस डायरेक्शन पे अगर हम जाएं और उस डायरेक्शन पे जाने के बाद क्या वो मंजिल हमें मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। आफ्टर जो आज का जो मेन पॉइंट्स है, करियर का चुनाव कैसे करें, उसी के ऊपर मैं बताऊंगा। ये एजुकेशन में भी बहुत सारे श्रृंखला आती हैं, अलग अलग मुद्दों पे मैं बात करता हूं, आप लोगों के बीच में बताता रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है आपके सामने इस तरह के वीडियोस बनाना। अभी तक लगातार मैं कॉलेज वगैरह स्कूल्स में सेमिनार वगैरह लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं आपके समक्ष वीडियोज़ के माध्यम से आ रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज के जो युवा पीढ़ी है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उस सारे लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा चीज़ लेकर आऊं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना ये जो सेशन, सही करियर का चुनाव कैसे करें। तो दोस्त, आज का जो पॉइंट है कि एजुकेशन लाइन में हर लोग कुछ ना कुछ सेक्टर में जाना चाहता है, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या वकील हो, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, हर लोग बड़े पायदान पे जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये समझ नहीं होता है, आफ्टर जब आप एक जो हमारा बेसिक एजुकेशन है वो होता है 10th, आफ्टर 10th के बाद हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं, हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या किसी कंप्यूटर सेक्टर में जाना है। डिपेंड ये करता है कि आप वो सब्जेक्ट चूज तो कर लेते हो, या तो अपनी मर्जी से, या फ्रेंड अगर लिया है, चलो ये साइंस लिया है तो मैं भी साइंस ले लूँ, ये आर्ट्स लिया है तो मैं भी ले लूँ, मतलब ये नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि हम सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, क्या वो मेरे समझ की चीज़ है, मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, या उससे रिलेटेड आने वाले समय में उसको मैं फाइट कर सकता हूँ। आज मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, जब मैं एक चीज़ में फील करता हूँ, आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से देखना। आज के डेट में हर लोग एक दौड़ में, एक भीड़ में भाग रहे हैं। वो भीड़ क्या है? आज मैं हर किसी व्यक्ति से अगर मैं पूछता हूँ तो भैया आप क्या कर रहे हैं, तो वो उनका एक बात रहता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। आज हमारा जो मेन पॉइंट है, ये कंपटीशन पे ही मैं आज एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा कि हर लोग कंपटीशन के दौर में भाग रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या है? आप कंपटीशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस कंपटीशन में जब आप उतरे हैं तो क्या आप किसी एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छे श्रृंखला के तौर पे, एक पायदान पे चढ़ पाएंगे, एक अच्छी जॉब हो सकेगी? क्योंकि भीड़ इतनी है जिसमें आपको फाइट करना है, और नौकरी चंद है, लाखों लाखों लोगों के तादाद में लोग फॉर्म भरते हैं, और होता कितने लोगों का जॉब है, जस्ट चंद लोगों के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो हम कितना मेहनत करें, वो स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को आकलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दिन अगर आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम अपने स्ट्रेंथ्स के माध्यम से जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जीवन में मेरे हिसाब से टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हर लोगों को 24 आवर ही मिलते हैं, इन 24 घंटों में अगर आप उसका सही यूटिलाइज नहीं किए तो आप अपने लाइफ को एक गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में जितने भी बड़े लोग बने, टॉप पे जो लोग भी गए हैं, उनको भी 24 घंटे ही मिले हैं, और उस 24 घंटों का यूज वो किस तरह से किए हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो शायद आपको इस चीज़ का एहसास होगा। मैं इन सारे बातों पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मोटिवेशनल चलते आ रहे हैं, बुक्स हैं जिसको पढ़कर आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे। मेरा आज जो मेन, मैं जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कंपटीशन। आज के जो आधुनिक युग में हर लोग जो कंपटीशन के दौर में भाग रहे हैं, क्या लगता है आप
उस कंपटीशन के दौर में जब जा रहे हैं तो क्या आप उस पर फतेह पाएंगे, इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और आप बिल्कुल मेरी बातों को अगर अच्छे तरीके से समझे तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जो मेरी बातें हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इसे रिलेट कर अपने लाइफ में या तो आप उससे बहुत ऊपर निकल जाएंगे या आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये डायरेक्शन चेंज कर देना है। मैं ये वादा करता हूँ आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। तो आज जो टॉपिक मैंने एकदम रिलेट कर मैं बताऊँगा कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ चलिए, एक बार की घटना है जो मेरे साथ घटी है। मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ या कहीं से लेकर, ये मेरे द्वारा जहाँ पे मैं एक जगह गया था वहीं से कुछ चीज़ें मेरे अंदर आई और मैंने अडॉप्ट किया उस चीज़ को, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जस्ट कुछ मंथ पहले की बात है। मेरी एक कज़न है, उनको एज ए मतलब एडमिशन करवाना था एज ए कंपटीशन के लिए। तो मेरे नज़दीक में ही एक कंपटीशन का इंस्टीट्यूट है, मैं उसको उनको लेकर वहाँ गया। सर से बातचीत हुई, सर ने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे अच्छी मतलब तैयारी होती है, सारे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, ये सारे चीज़ पे सर ने बताया। तो वो कहे कि नहीं, एक क्लास आप डेमो ले सकते हैं बिना पैसे का। तो मैंने कहा सर आज के जो होर लगी हुई है, हर गली हर जगह इतने सारे कंपटीशन के इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, आपको जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा एकेडमी इंस्टीट्यूट खुल चुकी है जहाँ पे आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन लोग भी क्या लगे हैं, अगर मैं किसी पेरेंट्स से बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का जवाब आता है कि नहीं मेरा बेटा तो कंपटीशन की तैयारी फलाना फलाना जगह पे रहकर कर रहा है। लेकिन मेरी आंखों देखी बात है दोस्तों, आप भी ये फील करते हैं, आप भी न्यू जनरेशन यूथ हैं हमारे, कि जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरी आंख का देखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं चिड़ियाघर गया था एक टाइम पे पटना में, वहाँ पे क्या हुआ, मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो पता चल रहा है कि कंपटीशन कर वो चिड़ियाघर घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ इधर उधर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो आप एकदम, मैं डीपली मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में आपको बहुत चंद समय मिला है, उसको यूज कीजिए, नहीं तो आपका लाइफ फिर डिस्ट्रैक्शन पे चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब अपने आप को आप कोसोगे, आप अपने आप में डीमोटिवेट अपने आप को फील करोगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप डीमोटिवेट हो, अपने लाइफ में एक अपनी एक ऐसी पहचान बनाइए कि समाज आप पे फक्र करे। हर लोग अपने रोजी रोटी में लगे हैं, हर लोग चाहते हैं कि मेरा कुछ अच्छा हो। तो मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वो जो मैंने बता रहा था अभी जस्ट इससे पहले कि एक स्टोरी पे मैं बात कर रहा था कि मैं गया था अपनी कजिन को लेकर, तो वही सर बता रहे थे कि ये सारे मटेरियल मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सर से पूछा, सर ये फ्री में आप डेमो क्लास दे रहे क्यों, जब आपके पास वो पावर है, आपका जो स्ट्रेंथ है, तो डेमो देने की जरूरत ही नहीं। उसी पे मेरी बहस भी हो गई और मैंने सर से कहा कि सर आपका जो क्लास है मैं क्या देख सकता हूँ। तो सर ने कहा ठीक है आप देख लीजिए, चूंकि थोड़ा सा जान पहचान के थे, हम कहे ओके। हम जब क्लास रूम में गए तो अप्रोक्स मुझे लगता है 25 to 30 स्टूडेंट्स उस क्लास में बैठे होंगे। मैं अंदर गया और सर से पूछा कि सर ये 25-30 स्टूडेंट्स हैं अंदर में, एंट्री हुई मेरी और मैं कुछ बात करना चाह रहा था स्टूडेंट से। सर ने इजाज़त दिया कि ठीक है आप बात कर लीजिए। जब मैं उन सारे स्टूडेंट से कुछ सवाल किए कि अच्छा आप बताइए कि आपके जो क्लास में है सारे स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है, बहुत देर के बाद कुछ देर के बाद एक बंदा उसमें से हाथ उठाते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स से उसमें 25 to 30 स्टूडेंट उसमें से सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, बस एक बंदा ने हाथ उठाया और मुझे उम्मीद था, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट था कि वो जो लड़का है वो हाथ उठाएंगे। और वो दिखने में कुछ ज़्यादा खासा ठीक ठाक नहीं थे, एज ए नॉर्मल शर्ट पैंट पहने हुए थे और उनका कहना था, सर भी बोले कि नहीं ये स्टूडेंट हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये स्टूडेंट बेस्ट है। मैंने पूछा कि अच्छा आप बताइए क्या नाम है, अपना नाम बताए वो, और वो कहे कि नहीं जो भी है सर ने जो कुछ भी पढ़ाया है आप उससे कोई भी सवाल पूछिए मैं आपका उसका जवाब दे सकता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, एक अप्रिसिएशन वाली बात हुई, मैंने ताली भी बजवाया उनके लिए। और मैंने उनसे सवाल किए कि अच्छा ये बताइए कि आप इस क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, और टैली किया। मैंने किसी से ये खड़े होकर नहीं पूछा कि आप खड़े होकर ये बताओ, मैंने पूछा बस इतना ही कि आप लोग अपने आप में एनालाइज कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि ये जो अभी जो आपके क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं आप उनके टक्कर में हैं या नहीं।
अब अपने दिल से पूछिए, ये मैंने सवाल किया, आप अपने आप से पूछिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये बंदा इतना मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी सर पढ़ाते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने उनसे सवाल किया कि जो कंपटीशन व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो कम टाइमिंग, क्योंकि कंपटीशन में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनका मैंने पूछा कि आपका ये जो टाइमिंग पीरियड क्या है, आप कितने जल्दी सवाल बना लेते हैं। तो वो जो बंदे थे वो बताए कि नहीं सर, जो मेरा टाइमिंग है अभी भी उस टाइम पे मैं नहीं पहुंचा हूँ, जो सवाल का जो टाइमिंग पीरियड होता है, इतने टाइम में पूरे सवाल को सॉल्व करने लेने हैं, उतना तक भी अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ इजिली। ये अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अगर मेहनत करे, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो शायद वो उस चीज तक पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर मेरा एक सवाल उन सारे बच्चों से हुआ कि अच्छा आप बताइए, आपके क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, तब ये अभी तक उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, उतने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इनके स्ट्रेंथ में नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं सबसे इंटेलिजेंट यही है, आप इनके कितने पास तक हैं। सारे लोग ने अपने अपने बताया कि नहीं हम इतने कम समय में बनाते हैं, कोई बताया इतने टाइम लगता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए कि इतने, मतलब पूरे इंडियाज में कंपटीशन की जो तैयारी होती है सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चंद लोगों को नौकरी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे जो बेस्ट होंगे उन्हीं को नौकरी मिलना है, ये तय है, इससे कोई अलग बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब तक आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे, हम कंपटीशन किए जा रहे हैं, अपना टाइम एक्सपेंड किए जा रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए 3 साल 4 साल 5 साल दे दिए, मैंने अपने लोगों के बीच में देखा है ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम दिए हैं, लेकिन लास्टली फिर वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है आपसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम टाइम दे रहे हैं और इस टाइम में आने वाले समय में हम चीजों को जीत सकते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये सोचकर कंपटीशन की तैयारी करता है कि मेरा नहीं होगा, सब लोग का ये अपने आप में रहता है कि नहीं मेरा होगा, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते हैं कि नहीं जब मैं फाइट कर रहा हूं कंपटीशन में तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी पढ़ाई की एबिलिटी क्या है। वो जब तक आप नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट लाइक एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसको खत्म भी करूंगा, आप बहुत बहुत डीप में जाकर सोचिएगा। आप खली को जानते हैं, जो WWE के जो रेसलर हैं, अगर सपोज दैट, इवन मैं अपने आप को उदाहरण देता हूं कि अगर मुझे उनसे फाइट कराया जाए तो क्या मैं जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन अगर लगे कि नहीं मुझे मेहनत करनी है अपने आप पे, तो बिल्कुल मैं मेहनत भी करूंगा, 5 साल 6 साल अपने ऊपर बॉडी बिल्डिंग करूंगा, खान पान पे अच्छे ध्यान दूंगा, लेकिन फिर भी क्या लगता है इन 5 साल में क्या लगता है कि मैं उस स्ट्रेंथ तक पहुंच पाऊंगा? हाँ, हो सकता है मैं उनके साथ खड़ा हो पाऊं, लेकिन क्या जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन, वो जो खली है अपना जीवन उस चीज में समर्पित किए हैं, उनका जो पावर है वो उसी चीज के लिए बना हुआ है, इकलौता वो उसी चीज के लिए बने, लेकिन मेरा वैसा कुछ था नहीं, मेरा उनके सामने खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है कि मैं खली से फाइट कर पाऊंगा? जस्ट अ कंपटीशन भी यही कहता है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। आप एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहले समझे, एकदम डीपली जाएं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कम टाइम में बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं हो कि टाइम आपका निकल जाए और आप कुछ कर नहीं पाए। तो लास्टली मैं यही कहूंगा कि अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए दोस्तों, और उस चीज को ऊपर आप मतलब एनालाइज कीजिए कि नहीं हमको करना क्या। अगर आपको इसी चीज में जाना है, कंपटीशन में जाना है, तो दिन रात मेहनत करें, पढ़े, ताकि आप उस चीज को फाइट कर सके। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सारे लोग कंपटीशन में जाकर फेल्योर हो जाते हैं, उनमें से जो लोग टैलेंटेड है उनका होना ही है, लेकिन आप अपने लिए सोचिए कि अगर आपको लगता है कि मैं फाइट कर सकता हूं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, होगा, आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लग रहा है कि नहीं ये मेरा वेस्ट टाइम है, हम वहां तक आने वाले समय में नहीं पहुंच सकते, तो होल्ड कीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए दोस्तों। तो ये था वीडियो, आगे मैं भी इस तरह के वीडियोज लेकर आता रहूंगा। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लगे हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू।